रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 में आज बुधवार की सुबह हुए सड़क हादसे में दो आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रायपुर में हुए प्रदर्शन के बाद स्कॉर्पियो से बीजापुर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। सभी घायलों को कोंडा गांव जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला कोंडा गांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह कोंडा गांव जिला में कोहरा ज्यादा होने की वजह से और वाहन चालक को झपकी आने की वजह से बनिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद काफी देर घायल वाहनों में फंसे रहे। वाहन में ड्राइवर समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें दो महिलाएं यशोदा और पार्वती की मौके पर ही मौत हो गई। इस मार्ग से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस 108 को हादसे की सूचना दी। मौके पर मौजूद आसपास के ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद 108 से सभी को कोंडा गांव जिला अस्पताल लाया गया है। फिलहाल पुलिस सभी के नाम पता कर परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।